जो पुरस्कार दिए गए हैं उससे शिक्षकों को कितना प्रोत्साहन मिलता है? जो पुरस्कार हैं वो हैं प्रेरणा के लिए ही दिए जाते हैं और इनसे निसंदेह हमारे टीचर्स को और प्रोत्साहित होंगे। जिनको पुरस्कार नहीं मिला है वो भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होंगे और ये पुरस्कार कार्यक्रम इसीलिए हम हर साल आयोजित करते हैं। इसमें 26 टीचर्स को पुरस्कार दिए जाते हैं, हर जनपद से 2 टीचर को देते हैं, 13 माध्यमिक 13 प्रारंभिक। जी मैडम, स्कूलों की स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है, लगातार स्कूल बंद होने के कगार पर आ रहे हैं, क्या कुछ कर रहा है शिक्षा विभाग? जो स्कूल बंद हो रहे हैं वो इसकी सबसे बड़ा कारण हमारा प्लान है जी। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में से जो परिवार हैं वो सब शहरों की तरफ आ रहे हैं, उन्हीं को रोकने के लिए एक प्रयास किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है, जिसमें हम पब्लिक स्कूलों की तरह एक सारे सुविधा संपन्न स्कूलों को हम तैयार कर रहे हैं, क्वालिटी के भी और भौतिक भी, वहाँ पूरे संसाधन उपलब्ध रहेंगे। क्वालिटी में भी हम टीचर्स का जो है एक स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जो है बहुत अच्छे टीचर्स हमें मिले। तो पहले चरण में तो हम अपने ही विभाग के टीचर्स को लेंगे, दूसरे चरण में यदि हमें अच्छे नहीं लगते हैं और या कुछ रह जाते हैं तो हम बाहर से भी लाने की व्यवस्था करेंगे। मतलब कब तक ये धरातल पर आ जाएगा ये सारी चीज़ें? देखिए, भौतिक संसाधन तो हमारा धरातल पर आ गया है, ये ज़्यादातर सारे स्कूल हमारे जो है सौंदर्यकरण और जो भी हमने सामग्री वहाँ उपलब्ध कराई है वो सब ज़्यादातर आ गई है। लेकिन जो एकेडमिक है, जो हम चाह रहे हैं कि हमारा एकेडमिक में ज़्यादा सुधार हो, तो वो हम इस नए सेशन से 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन शुरू होगा, उसमें हम पूरा लागू करेंगे। जब 25% जो सीट रिजर्व होती है सरकारी स्कूल में, गैर सरकारी स्कूलों में, तो उसका सख्ती से पालन नहीं किया जाता मैडम, उसमें जो भी धांधलीबाजी को देखने को मिलती है, क्या कुछ कहना? नहीं, उसमें ऐसा कोई धांधलीबाजी नहीं है क्योंकि उसमें सरकारी नियम है। आप BPL होने चाहिए, BPL यदि उसके पास कार्ड है और यदि कोई उसमें ग्राम प्रधान या कोई उसको प्रमाण पत्र दे रहा है तभी उसका प्रवेश किया जाता है, और यदि ऐसा कुछ है तो हम उसकी जाँच करेंगे। पटियानी पुरस्कार मिला है शिक्षा की उत्कृष्ट हेतु, कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। किस कार्य के लिए आपको मिला? ये उत्कृष्ट कार्य के लिए, शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुझे जो है सम्मानित किया गया जी। आपने किस तरह का उत्कृष्ट कार्य किया है? मैंने, मेरा सबसे अच्छा तो इन 5 सालों में 90% से ऊपर परीक्षा फल है और बच्चों के अभिनय प्रयोग, बच्चों की उपस्थिति, बच्चों को जो है प्रवेश के लिए जो है मैंने गाँव में भ्रमण किया है और नई जो है टेक्नोलॉजी करके जो है मैंने बच्चों को जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है अभिरुचि तैयार की। आज के दौर में जबकि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों की कमी होती जा रही है सर, लगातार स्कूलों के टूटने का डर हो रहा है, तो आप किस तरह से शिक्षा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ग्रामीण अंचलों में? ग्रामीण अंचलों में हम जो हैं राज्य सरकार द्वारा जो भी छात्र छात्राओं को जो सुविधाएँ दी जा रही हैं उनके गार्जियनों को हम जो हैं इंस्पिरेशन करके जो है बच्चों को बता रहे हैं और बच्चे हमारे विद्यालय में प्रवेश अधिकाधिक हो रहे हैं।